इंदौर शहर में बदमाशों के खिलाफ जिला प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन बरकरार है। बावजूद इसके यहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुई घटना का सीसीटीवी वायरल हुआ है, जिसमें बदमाश पुलिस ऑटो पार्ट संचालक से मारपीट कर छीना छपटी करते देखे गए। वहीं दुकान संचालक ने पुलिस के भेष में आए बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें, इस पूरी घटना में दुकान संचालक की सोने की चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना के आधार पर एरोड्रम थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित ने पुलिस की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। थाने पर मेरी कार्रवाई नहीं करी गई, मैंने ऐसा जो बोला वो कुछ भी नहीं लिखा गया। अच्छा। उसमें बस ऐसा लिखा, दो लोग आए आपको मार के चले गए, चेन गिर गई उसमें आपकी, जबकि उसने मेरी खुद ने चेन छीनी और मैं उसे बोल भी रहा हूँ कि चेन चेन इतने में आपके पास उसमें वीडियो क्लिप में है, मेरे पास पूरी वीडियो क्लिप है। मैं उन्हें वो भी बताई पहले, हमें 2-2.5 घंटे तक उन्होंने टाला कि भैया पहले फुटेज लाओ, फिर ये लाओ, फिर वो लाओ, जब भी कार्रवाई नहीं करी पूरी। कहाँ से आए थे लोग? ये बाइक से आए थे, बाइक पे पुलिस भी लिखा हुआ था, डंडे भी लगे थे और पूरी कैप भी सरकारी कैप पहन रखी थी उन्होंने, और बस उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, बट पूरी पुलिस वाले स्टाइल में आए थे। और फिर उसके बाद में थाने पे भी पता चला गया कि ये सदर बाजार किसी कांस्टेबल के ही लड़के हैं, तो उनका फ़ोन भी आया था थाने का फ़ोन। अच्छा, वहाँ पर थाने पे पूछा कि इन पे कार्रवाई इतनी नहीं की जाए, जो है बस लिख के इनको रफा दफा किया जाए, तो उसके बाद हमारी एफआईआर भी नहीं, एफआईआर नहीं लिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।